ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। पतित पावनी गंगा मैया की जय। इस गंगा जल की क्या महिमा है? हिमालय की बेटी जगत जननी माता गंगा की महिमा अपार है। हर गंगे हर गंगे। गंगा जल की एक एक बूंद अमृत से भी बढ़कर है। उसके स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। फिर ये जलधारा के रूप में कैसे गुरुदेव? वत्स, इसकी एक अद्भुत कथा है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारायण 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 नारायण। ये अपशुकन कैसा? नारायण नारायण,
सागर जैसा गर्जन, पर्वत जैसी विशाल काया, विकराल आंखें। अरे अरे छोड़ दो मुझे। क्यों नारद? क्यों पकड़ लिया मुझे नारायण भक्त को? कौन हो तुम? बड़े बड़े ऋषि मुनि, देव नाग गंधर्व मानव को ठिकाने वाला, काम क्रोध मद लोभ मोह को जन्म देने वाला, तीनों लोकों में अपना नाम का डंका बजाने वाला, हमें पहचानो नारद, हम हैं पाप। नारायण नारायण, प्रथम ग्राशे मक्षिका पात, ये सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, किसके दर्शन हो गए? और किसके, हमारे। तुम्हारा कल्याण हो गया नारद। कल्याण? कल्याण तो हो ही गया है। तो बस इसी वक्त ये अपना पुराना तंबूरा और करतार उठाकर फेंक दो और हमारी जय जयकार करो। तीनों लोगों का सुख और ऐश्वर्य हम तुम्हारे चरणों में ढाल देंगे नारद। बस केवल इतना ही? और भी जो चाहोगे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, पर थोड़ा हुआ धर्म नहीं मिलेगा? धर्म? धर्म तो वो अनमोल रत्न है जिसके सामने तुम्हारे सुख और ऐश्वर्य का कोई मोल नहीं। धर्म की जोत अजर है, अमर, उसे तुम्हारा युगो युगो का इतिहास भी नहीं बुझा सकता। लेकिन हम बुझा कर रहेंगे नारद, ये तुम हमें चुनौती दे रहे हो और इसका जवाब तुम्हें दक्ष यज्ञ में मिलेगा, फिर तुम्हारी हार और हमारी जीत होकर रहेगी। हड्डी पसली बराबर हो गई। हड्डी पसली। नारायण नारायण। दक्ष प्रजापति, प्रजाजनों, पाप का नाश और धर्म की रक्षा करने वाला, शीघ्र पुण्य देने वाला हम धर्म यज्ञ करेंगे। बोलो प्रजापति दक्ष राज की। महामंत्री जी महाराज, समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों और हमारे इष्ट मित्रों को यज्ञ का निमंत्रण भेज दिया जाए। जो आ गया महाराज। हमारे इस महान यज्ञ के विशेष अतिथि होंगे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता कैलाशपति। नहीं नहीं, उसे इस यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। नारायण नारायण। दक्षराज देवर्षि, प्रणाम मुनिराज। ये आप क्या कह रहे हैं? कैलाशपति तो सब देवों में महान हैं, वो सती के पति हैं, आपके दामाद हैं। वो कोई क्यों ना हो, लेकिन हमारा निर्णय नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता? हाँ, नहीं बदल सकता। होनी बड़ी बलवान है, वो अपना रंग दिखा कर ही रहती है। नारायण नारायण नारायण। सती, तुम्हारे हर फूल से श्रद्धा और भावना की सुगंध आ रही है। गिरिराज हिमालय पर तुम्हारे पाव आनंद से थिरक उठे, क्या बात है सती, आज तुम इतनी प्रसन्न हो। प्रसन्नता की बात है प्रभु, पिताजी धर्म यज्ञ करने जा रहे हैं। धर्म यज्ञ? ये जानकर हमें भी प्रसन्नता थी। इस शुभ अवसर पर हम भी अवश्य चलेंगे सती। नारायण नारायण। कैसे चलेंगे प्रभु, आपको तो निमंत्रण भेजा ही नहीं गया है। मुनिवर, पिता के घर जाने में निमंत्रण की क्या आवश्यकता? बिल्कुल ठीक कहा आपने सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अपमानजनक है। ठीक कहा आपने भोलेनाथ, किंतु आपको ना बुलाना ही आपका अपमान है। मैं पिताजी से इसका कारण पूछूंगी। नारायण नारायण, अवश्य पूछिए। अजी मैं कहता हूँ, वो सती क्या पति का अपमान हो और वो कुछ ना बोले? देवर्षि भोलेनाथ। सती मेरी बात मानो और हट ना करो। ये हट नहीं, मेरा निश्चय है, पिता से पति का स्थान ऊंचा है, धर्म यज्ञ में पाप की ज्वाला नहीं जल सकती। सती दक्षराज, अब यज्ञ की अंतिम आहुति दीजिए। अंतिम आहुति नहीं दे सकते सती, ये धर्म यज्ञ नहीं पाप यज्ञ हो रहा है। बेटी, तुम भरी सभा में अपने पिता का अपमान कर रही हो। अपमान तो आपने मेरे पति का किया है,
लोक कल्याण करने वाले दया के सागर भगवान भोलेनाथ को न बुलाकर आपने ऐसा अनर्थ किया है जो पहले से भी भयानक है। चुप हो जाओ सती। अपने पति का अपमान देखकर मैं चुप हो जाऊं? मैं पूछती हूँ इस यज्ञ में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? जवाब दीजिए, क्या अपराध था मेरे पति का? आप सब लोग चुप क्यों हैं? ब्रह्मदेव उत्तर दीजिए। ब्रह्मदेव लक्ष्मीपति विष्णु देवराज इंद्र ऋषि मुनि आप सब लोग चुप क्यों हैं? मैं इस अन्याय का आप सब लोगों से उत्तर चाहती हूँ। उत्तर पाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, और आज से भविष्य में होने वाले किसी भी यज्ञ पूजा आदि पुण्य कार्य में उस भूतनाथ को भाग नहीं मिलेगा। वो देवता नहीं, एक साधारण साधु है, पाखंडी है, ढोंगी है। भोलेनाथ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपकी निंदा हो और मैं जीवित रहूं, धिक्कार है मुझे। हे सूर्य देव, पृथ्वी, आकाश, दस दिशाओं, आप सब मेरे साक्षी रहना। जिस यज्ञ में मेरे पति को न बुलाकर उनका अपमान किया गया है, आज उसी यज्ञ की लपटों में मैं अपना जीवन त्याग करती हूँ। तारकासुर प्रगटो भाव। महाबली सिंदूरासुर प्रगटो भाव। कहो पाप, मुझे किसने याद किया? बोलो पाप, क्या समाचार है? खुशी का समाचार है तारकासुर, हमने तुम्हारे रास्ते का कांटा निकाल दिया है। मौत के हाथ अब तुम्हें कभी नहीं पकड़ सकते। किंतु ब्रह्मा जी की वाणी, शंकर पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु। शंकर पुत्र? तारकासुर, न रहा बांस न बचेगी बांसुरी। शंकर पत्नी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जलकर राख का ढेर हो गई है। राख का ढेर? अब देवताओं को मारकर उनकी लाशों का ढेर लगा दिया जाएगा, उनके खून की नदियां बहा दी जाएंगी। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब इंद्रासन हमारा होगा।
मेरा गोरा गोरा रंग मेरे अंग में अनंग मेरा गोरा गोरा रंग मेरे अंग में अनंग मेरी काया मदन का दर्पण ओ मेरी काया मदन का दर्पण कोमल कोमल यौवन का कमल आए तुमको मैं करने समर्पण समर्पण मेनका मैं हूँ मस्तानी मेनका मैं हूँ मस्तानी मधुबेन प्यारी प्यारी मृग नैनी न्यारी न्यारी मधुबेन प्यारी प्यारी मृग नैनी न्यारी न्यारी नाच लेके मयूर की कीर्तन ओ नाच लेके मयूर की कीर्तन मत माटी खिलाती आई रथ बरसाती मेरा तन मन करो तुझे अर्पण अर्पण मैं हूँ मस्तानी स्वर्ग लोक पर अधिकार किया है हम लोग सब यूं ही भटक रहे हैं तो फिर भाई भाग में ही भटकना लिखा है तो भटकते रहो ऐसा ना कहिए मुनिवर अरे तो फिर शक्ति से लौ लगाइए अंधेर से मिलेगा प्रकाश और भटकने से मिलेगी मुक्ति मुक्ति शक्ति हम कुछ समझे नहीं मुनिवर हाँ 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 हा, ऐसा जान पड़ता है कि भटकते भटकते आप सबकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है अरे शक्ति अर्थात आदिशक्ति आदिशक्ति जो पाप के नाश के लिए गंगा और उमा के रूप में हमारे राज का जन्म ले चुकी है गंगा और उमा बेटी उमा पार्वती फिर वही एकांत में वही हर दिन की तरह भोलेनाथ की पूजा मुझे तो तुम्हारे भविष्य की चिंता हो रही है नारायण 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 पार्वती के भविष्य की चिंता आप कर रही हैं देवी मैनामती इसके पति होंगे देवाधिदेव महादेव देवाधिदेव महादेव कैलाश पति मेरी बेटी के पति हाँ हमारे राज कहाँ तक वर्णन करूँ भगवान भोलेनाथ का गौर वर्ण कमल नयन नजान बाहु विशाल वक्ष करोड़ों सूर्य चंद्र के तेज से बढ़कर है उनका तेज इतने सुंदर है कैलाशपति तन से भी सुंदर मन से भी सुंदर महारानी आप उन्हें देखेंगी तो फूली नहीं समाएंगी उन्हें पाकर धन्य हो जाएगी उमा नारायण नारायण पहले ही झटके में ऐसा रंगा कि मैं हो गया हड़बंगा देवर्षि यही है मेरी बेटी गंगा प्रणाम देवर्षि ओह हा
नारायण 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 हा 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 चंचल चाल चंचल भाव चंचल काम। किंतु मुनिवर आप वीणा गिटार छेड़ते छेड़ते आप यहाँ। मुनिराज कृपा करके गंगा का भविष्य भी बता दीजिए। बेटी तुम भी अपना हाथ दिखा दो देवर्षि को। पिताजी रेखाओं के जाल में पड़ना जंजाल में पड़ना है। मैं किसी के चरणों की दासी बनना नहीं चाहती। सुन लिया मुनिवर। गंगा बड़ी हटीली है। गंगा बड़ी निराली है और इसका निरालापन संसार कभी नहीं फुला सकेगा। नारायण 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 नारायण। श्रृंगी बलवाई नंदी सिंहासन। श्रृंगी बोल भाई नंदी अपने स्वागत के लिए सिंहासन और मिठाई तो खाओ भाई। देर किस बात की लगाई। मैं तुम्हें खिलाती हूँ। श्रृंगी बुढ़िया बुढ़िया। मैं बुढ़िया नहीं अमृत की पुड़िया हूँ। श्रृंगी लगता है सब माया जा रहा माया जा। अरे जादू है जादू। भागो भागो। अरे नहीं जाने दूंगी नहीं जाने देगी। कैसे नहीं जाने देगी जाने देगी। हट ब्रह्मचारी। देवी का शुभ नाम मोहिनी। आप दोनों का नाम। इसका नाम नंदी है और इसका नाम श्रृंगी है और मेरा नाम हरभरंगी है। हरभरंगी हरभरंगी। वाह 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 वाह। अरे क्या तुम्हारा पेट है जैसे ढोल। क्या कहा ढोल। अरे कुछ बोल। क्या मूछ है जैसे कदे की पूछ। क्या कहा। भालू हमें डराता है। अरे भालू नहीं भैंसा। भैंसा मुझे कहा। अभी मैं तुम्हारी हड्डी कर देता हूँ। अरे ये तो अपने होने वाले ससुर जी है। ससुर जी अब मुंह मीठा करो। मुझे तो ये भी सब माया लगता है। माया भागो 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 भागो। बस 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 पिताजी जिन्हें आप मानना चाहते हैं वो तो कब के भाग गए। क्या कहा बेटी वो भाग गए। भालू भैसा नहीं नंदी संगी। मैं तो नारद हूँ। नारद मुनिवर आपके मुंह पर रंग। ये किसने किया ढंग से बेढंग। भाई हमारे राज की बेटी गंगा ने। गंगा ने। हाँ गंगा और उमा दो बहने हैं। जानते हो उमा कौन है। कौन है। पिछले जन्म में उमा सती थी। सती माता। हाँ। मुनिवर हमें माता उमा के दर्शन करवाइए। कृपा होगी। अच्छा भाई तो वो देखो अपने प्रभु के ध्यान में लीन बैठी। प्रणाम। पता नहीं भगवान भोलेनाथ का ध्यान कब टूटेगा। नारायण नारायण नारायण। देवगणों ये ध्यान नहीं है सती के वियोग में समाधि है। समाधि। हाँ और समाधि भगवान शंकर स्वयं नहीं तोड़ेंगे। हाँ भंग की जा सकती। किंतु मुनिवर इनकी समाधि भंग कौन कर सकता है। पतझड़ में बसंत खिलाने वाला बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपने काम मान से डिगाने वाला कामदेव। कामदेव। कामदेव के पास जाओ वही भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकते हैं। मुनिवर हम सब अभी उनके पास जाते हैं। हाँ
जलकर भस्म हो गया और उसे जलाने वाले शंकर भी अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान नहीं तारकासुर, उनका अंत हो गया। नारायण नारायण, भगवान शंकर का अंत हो ही नहीं सकता, वो देवादिदेव हैं, अनंत हैं, महाकाल हैं। वो महाकाल है तो हम भी महाकाल के महाकाल हैं, जीते जागते भूचाल हैं। भूचाल जी, आप क्या हाल है? ये कैसा भूचाल मुनिवर? ये है देवी पार्वती की शिव तपस्या। शिव तपस्या? और यही तपस्या बन जाएगी तारकासुर के जीवन की समस्या। अरे बाबू, कुछ करो करो करो, नहीं तो मरो मरो। मुनिवर, अब क्या होगा पाप? घबराओ नहीं, हम पार्वती की तपस्या कभी पूरी नहीं होने देंगे तारकासुर। पार्वती नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाजें? हाँ, क्या तुमने नहीं सुनी? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अपने देवता के चरणों में मैं अपना हृदय, अपना सर्वस्व इनके चरणों में अर्पण कर चुकी हूँ। उमा, तुम अवश्य पागल हो गई हो, ये तुम्हारी अंधी भक्ति है। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक राजकुमारी हो। नहीं, मैं राजकुमारी नहीं, अपने देवता के प्रेम पुजारी हूँ, इनकी दासी हूं। उमा, इसी हीन भावना ने तो नारी को पुरुष के सामने गिराया है। गंगा, इसी भावना ने तो उसे महान बनाया है। अभिमान में भटकती हुई हर नारी को पुरुष के चरण में झुकना ही पड़ता है। नारायण नारायण नारायण। गंगा, सुना तुमने, उमा के विचारों में कितनी सच्चाई है। देवर्षि, मैं इस सच्चाई को झूठ में प्रमाणित करके दिखा दूंगी। मेरा नारित्व किसी पुरुष के चरणों में नहीं, गर्व से ऊंचा रहने वाले उसके शीश पर वास करेगा। दोनों बहनों में कितना अंतर है। देवर्षि, भोलेनाथ और मेरे बीच का अंतर कब दूर होगा? प्रभु को प्रसन्न करने का कोई उपाय बताइए। देवी, भगवान कैलाशपति के द्वादश स्वरूप द्वादश ज्योतिर्लिंगों की आराधना करो, भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण।
शंकर त्रिशूल धर तुम त्रिभुवन के स्वामी, हे वैद्यनाथ देवाधिदेव सुनो विनती अंतर्यामी, तेरे चरण कमल में जीवन अर्पण, तुम्हारी आराधना और भक्ति से प्रसन्न हुए। उठो मां, उठो। प्रभु आप आ गए, मेरी साधना सफल हुई। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। देवी बहुत दिनों के बाद हमारे वियोग का अंत हुआ। प्रभु इस वियोग का पूर्ण अंत तभी होगा जब आप सदा के लिए अपने चरणों में मुझे स्थान देकर अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। चिंता न करो देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हम बहुत शीघ्र ही धूमधाम के साथ तुमसे विवाह करने आएंगे। देखी गंगा क्या है माँ, तुम्हें तैयार हो गए? हाँ माँ तैयार हो गई। तो चलो कैलाशपति की बारात आ रही है। नारद जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था,
जो मेरी बेटी उमा के लिए आपने ऐसा काला कलूटा भयानक वर ढूंढा। कहते थे देखोगे तो फूली नहीं समाओगी। नारायण नारायण। माँ इनका तो काम ही यही है, इधर की उधर, उधर की इधर, कोई जिए चाहे मरे, खुद तो नारायण करते ही रहते हैं और दूसरों का भी नारायण हरि करो। नारायण नारायण करो भलाई और नाम हो बुराई में। अरे भगवान कैलाशपति को आप भयानक बतला रही हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं वो, जरा देखो तो सही। अजी आंखें ही हैं, कभी कभी धोखा भी खा जाती हैं। नारायण नारायण। रानी मैनावती अब आप खड़ी खड़ी सोच कर रही हैं, स्वागत कीजिए, दूल्हे की आस्ती उतारिए। गौरवन धन्य हो जानकर भी पूछ रहे हो क्या हो रहा है? आज शिव विवाह हुआ, कल शिव पुत्र होगा, उसके बाद मेरी मृत्यु। मृत्यु तुमसे टकरा कर वापस चली जाएगी तारकासुर। तुम इसी समय ब्रह्मलोक पे आओ और वहां जाकर विष्णु के चरणों का जल पी लो। विष्णु के चरणों का जल, जिसका प्रभाव अमृत से भी बढ़कर होगा, उसको पीते ही तुम अमर हो जाओगे। मैं अमर हो जाऊंगा? फिर शिव पुत्र तो क्या, तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति नहीं मार सकती तारकासुर। जाओ विष्णु के चरणों का जल। क्या धूम धाम से भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ है, और क्या ठाट बाट से मिठाइयां खाई। क्या सुंदर हिमकन्याएं थी। श्रृंगी, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। याद करते ही हेमकन्या का हाथ मेरे कंधे पे आ गया। हाथ पकड़ लो, कहीं भागने ना पाए। पकड़ लो। अरे छट्टी का दूध याद आ गया, अरे तबीयत ही साफ हो गई। तो फिर इसी बात पर आओ मेरे। नारायण नारायण नारायण। दैत्यराज। नहीं नहीं मुनिवर, आज मैं आपके एक नहीं सुनूंगा और नहीं अपने मन का रहस्य आपको बताऊंगा। मैं बाप की आज्ञा से विष्णु चरणों का जल पीने ब्रह्मलोक जा रहा हूँ। अरे अरे भाई तारकासुर सुनो तो सही, वहाँ तो केवल एक कलश भर जल मिलेगा, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। जल तो इतना हो कि पेट भर पियो, जी भर ना हो। मुनिवर इतना सारा विष्णु चरणों का जल कहाँ मिलेगा? इतना सारा जल क्षीर सागर में, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। क्षीर सागर? हाँ, उस सागर में क्षीर भी है और नीर भी है। नहीं समझे? नीर अर्थात जल, विष्णु चरणों का जल। धन्य हो मुनिवर, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं अभी क्षीर सागर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, इधर नहीं, क्षीर सागर उधर है। ओ नारायण नारायण, इसे तो लगा दिया उल्टे रास्ते। अब गंगा का स्वर्ग में आना बहुत आवश्यक है। पिताजी ब्रह्मदेव और गंगा। ब्रह्मदेव, अभी तो किसी तरह देवर्षि नारद ने तारकासुर को क्षीर सागर भेजकर विष्णु चरणों के जल की रक्षा कर ली है, किंतु नारायण नारायण। और सच्चाई जान लेने पर
वो विष्णु चरणों का जल पीने के लिए यहाँ अवश्य आएगा। नारद पिताजी, आप तो जानते हैं विष्णु चरणों का जल शक्ति है, गंगा भी शक्ति है, दोनों शक्तियां मिल जाएंगी तो एक महान शक्ति बन जाएगी जिससे एक नए युग का निर्माण होगा। फिर सत्य के सूर्य का उदय होगा और धर्म का कलश चमक उठेगा, गंगा के सामने पाप नहीं ठहर सकेगा। पिताजी, आप हिमालय राज के पास जाकर शीघ्र गंगा को ब्रह्म लोक ले आइए। मैं गंगा को अवश्य लेकर आऊंगा। ब्रह्मदेव, मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए पिताजी के पास आए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। गंगा, गंगा, हिमालय राज की बेटी होकर ये तुम क्या कह रही हो? देवताओं के कल्याण के लिए क्या तुम उस अंधकार को दूर नहीं करोगी? पाप के अट्ठहास में धर्म की ध्वजा कांप रही है, धर्म की रक्षा के लिए क्या तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगी? कर्तव्य? हाँ, कर्तव्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। सोच क्या रही हो? जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। कहाँ वो भयानक पाप? कहाँ मेरी फूल सी बेटी? नहीं ब्रह्मदेव, परमात्मा की वेदी पर हम अपनी ममता का बलिदान नहीं कर सकते। हिमालय राज, हम तो बड़ी आशा लेकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु हमें निराश लौटना पड़ा। खैरी ब्रह्मदेव, हिमालय राज के द्वार से आज तक कोई निराश नहीं गया, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? जो मेरा कर्तव्य और हमारे कुल का गौरव कह रहा है। पिताजी, यदि हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया तो देवलोक ही नहीं समस्त लोकों में हमारे कुल की मान प्रतिष्ठा सब कलंकित हो जाएगी। बेटी, पिताजी, पाप को मिटाकर मैं धर्म की ध्वजा लहरा सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटी, हमारे समस्त पुण्य तुम्हें शक्ति प्रदान करें। बेटी, अपने माता पिता का नाम उज्जवल करो। आओ गंगे, आओ। आश्चर्य न करो गंगे, इसका रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार दानवपति बलि से भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी दान में मांगी थी। वरुणाय नमः स्वाहा, यमाय नमः स्वाहा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। विरोचन पुत्र बलि, सावधान, मांगने वाला और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मीपति विष्णु है जिसने अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्म लिया है। मेरे प्रभु ने वामन रूप में जन्म लिया? हाँ, इसके आगमन में देवताओं की भलाई और दानव सम्राट का विनाश छुपा हुआ है। नहीं गुरुदेव, प्रभु के इस मंगल रूप से मैं विनाश की कल्पना भी नहीं कर सकता। कहिए भगवान, क्या सेवा करूं? दानवपति, मुझे तपस्या करने के लिए सिर्फ 3 पग पृथ्वी की आवश्यकता है। केवल 3 पग पृथ्वी? और 3 पग में ये तुम्हारी समस्त राज लक्ष्मी का हरण करके ले जाएगा। मायावी वामन, शुक्राचार्य के रहते तुम्हारी ये छल कपट नहीं चलेगा। जाओ, वापस लौट जाओ। ठहरिए भगवान, ठहरिए। बलि, गुरुदेव, ये त्रिलोकीनाथ, मैं पृथ्वीनाथ, ये महाबली, मैं केवल बलि। यदि इनकी इच्छा पूर्ण न हुई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं विरोचन पुत्र बलि अभी इसी समय 3 पग पृथ्वी आपको दान में देता हूं। ये क्या कमंडल में से जल क्यों नहीं निकल रहा है? मालूम होता है स्वार्थ का पूरा बीच में आ गया है, मैं अभी से निकाले देता हूँ।
प्रभु लीजिए तीन पग पृथ्वी का दान। ब्रह्मार्पणमस्तु। संकल्प दान का होते ही वामन ने रूप विराट किया, मायापति ने निज काया को इतना विशाल आकार दिया कि पहले ही पग से श्री हरि ने सारी पृथ्वी को नाप लिया। दूजे पग से आकाश माप कर ब्रह्म लोक में रखा चरण, ब्रह्म लोक में रखा चरण, धोकर प्रभु का पग ब्रह्मा ने, धोकर प्रभु का पग ब्रह्मा ने रख लिया कलश में जल पावन, विष्णु चरण का जल पावन। वैद्यराज अब तीसरा पग कहाँ रखूं? भगवान जोशी सदा आपके चरणों पर झुका रहता है, उसी पर आप अपना तीसरा पग रख दीजिए। बलि ने अपना शीश झुकाया निज प्रभु के आगे तत्काल, दानवीर दानवपति को प्रभु ने भेज दिया पाताल। अब देर किस बात की, जगत का कल्याण कीजिए, शक्ति में शक्ति मिला दीजिए। आओ गंगे। पाप पुण्य से घिरे जगत में करने को सबका कल्याण, विष्णु चरणों के जल से करा रहे ब्रह्मा जी स्नान, और करती है गंगा जी स्नान, करती है गंगा जी स्नान। गंगा अब तुम कोई साधारण गंगा नहीं हो, मोक्ष दाहिनी पाप विनाशनी गंगा हो। आओ तारकासुर, आओ विष्णु चरणों का जल पिया है? खूब पेट भर कर पिया और नहाया। क्या पिया और नहाया? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी दो मटके भर कर लाया हूँ। खूब पेट भर कर पियो और जी भर के नहाओ। आओ आओ, ये देखो ये देखो, आओ तुम भी मेरी तरह पीकर अमर बन जाओ। आओ। वाह तारकासुर वाह, विष्णु के चरणों का इतना जल ले। तुम भी पीकर अमर हो जाओ। लाओ। हम भी तो पिए। अरे मूर्ख, ये तो खारा है। हा? ये विष्णु के चरणों का जल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्षीर सागर क्या है, विष्णु के चरणों का जल। तुम्हें क्षीर सागर भेजा किसने? नारद जी ने। तुम उस लंपट नारद के चरणों में फिर पड़ गए, फिर उसके कपट में आ गए। ब्रह्मलोक के सिवाय विष्णु के चरणों का जल कहीं नहीं हो सकता, और तुम क्षीर सागर चले गए। मूर्ख, जाओ फिर से ब्रह्मलोक। इधर नहीं, इधर। कौन हो तुम? जिसे तुम अपने पांव के नीचे कुचल देना चाहते हो। कौन? गंगा? मुझे देखते ही भय से कांपने लगे। कौन कहता है मैं कांपने लगा? मैं किसी से नहीं डरता। अब ये शस्त्र तुम्हारा प्राण ले देगा। गदा तुम्हारे प्राण ले लेगी। अब इस बाण से तो नहीं बच सकती।
शरंगी। अरे शरंगी, ये तू क्यों हंस रहा है? अरे शरंगी, ये तू क्यों हंस रहा है? खुद ही गुदगुली करके कहता तू क्यों हंस रहा है? बैल कहीं का तू तो मुझे बैल कहा? बैल कहा? नंदे, तूने मुझे मारा। क्या कहा? मैंने तुझे मारा? हाँ हाँ, तूने मुझे मारा। शरंगी, तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा। मैं कहता हूँ तूने मुझे मारा। लड़ रहे हो शिव भक्तों, मैंने मारा। मोहिनी, तुम यहाँ भी आ गई? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मम्मा माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, रक्षा कीजिए, माता जी, रक्षा कीजिए। ये कौन है? मैं मोहिनी। मोहिनी, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ। बहुत दिनों से आपके दर्शन की इच्छा थी। इन दो शिव भक्तों के कारण मैं कैलाश तक पहुंची। माँ गौरी, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, मैं सदा आपकी सेवा करूंगी। अच्छी बात है नंदी, आपसे ये यही रहेगी। नंदी, ये यही रहेगी, यही रहेगी। महाराज तारकासुर और तारकासुर के खुराटे। अजी महाराज तारकासुर, अजी उठो। सुनो भाई, ढोल लगा रहे हो, झांड बजाओ, अपने महाराज को गहरी निंद्रा से जगाओ। जाओ 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 जाओ। जन्म हो चुका है। कहाँ है शिवपुत्र महाराज? कहाँ है शिवपुत्र? अरे महाराज, मैं तो ब्रह्मा पुत्र हूँ और ब्रह्मा का वरदान याद दिलाने के लिए आपको यहाँ आया हूँ। याद है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था शिवपुत्र के सिवा हमें कोई नहीं मार सकता। और वही वरदान पूरा होने के लिए शिवपुत्र ने कैलाश पर जन्म ले लिया है। इसका मतलब है उसका जन्म, तुम्हारा मरण। कुमार के जन्म से ही सारे कैलाश में आनंद सा छा गया। हाँ, हमारा कुमार कितना सुंदर है। हाँ माता जी, ये तो भोलेनाथ के मस्तक पे विराजमान चंद्रमा से भी सुंदर है। मोहिनी, पूजा के फूल लाई? जी हाँ, ये लीजिए पूजा के फूल और इस कोमल से कुमार को मुझे दे दीजिए। मैं इसे खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, दोहे सुनाऊंगी। पुत्र, मुझे पहचाना? मैं हूं तारकासुर, तारकासुर। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी अभी शक्ति देखी नहीं। तू जीता और मैं हारा। चल चल, तुझे आकाश की सैर करा लाऊं। हाँ, आजा।
पार्वती की आंखों का तारा, मुझे मारने वाला सागर की गरजती हुई लहरों में समा गया और ब्रह्मा का वचन झूठा पड़ गया। बालक है तू, दिखाओ किसका है ये, कौन है इसके माता पिता? गंगे, इसके पिता स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती हैं। तो क्या क्या ये मेरी बहन पार्वती का पुत्र है? हाँ गंगे, कृतिकाओं द्वारा लाया गया ये बालक आज से सारे संसार में कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम इसकी माता बनकर इसका पालन करो, समय आने पर यही देवताओं का कष्ट दूर करेगा। मेरे ला पूछने वाली स्वयं आंसू बहा रही है। स्वामी, जिसका सर्वस्व लूट जाए वह आंसू न बहाए तो क्या करे? मेरे राज दुलारे, मेरे आंखों की तारे कुमार को कोई राक्षस उठा कर ले गया। कुमार को? हाँ स्वामी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, किसे अपना पुत्र कहूंगी, कौन मुझे अपने नन्हे नन्हे होठों से माँ कहेगा? कहो स्वामी, कौन मुझे माँ कहेगा? धीरज रखो पार्वती, धीरज रखो। धीरज, आप पिता हैं, आप धीरज रख सकते हैं, किंतु मैं एक माँ हूँ। सोच क्या रहे स्वामी, जाइए, जिस पापी ने ये दुष्ट कार्य किया है उसे मार कर मेरा जीवन धन वापस ला दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती, शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ, हमारे पुत्र का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, वो जहां भी है कुशल से है, आनंद से है। सच स्वामी, सच। हाँ, देवताओं का कार्य पूरा कर तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ। नारायण नारायण नारायण। इंद्रदेव, भगवान भोलेनाथ की लीला के रंग हैं हजार। वहां गंगा के पास पहुंचा कुमार कार्तिकेय और यहाँ प्रभु ने पार्वती को धीरे देकर देवताओं पर किया उपकार। किंतु इस उपकार से माता गौरी की प्यासी आत्मा की प्यास कैसे बुझेगी और कुमार के मिलने तक उन्हें माँ कौन कहेगा? माँ कौन कहेगा? नारायण नारायण, पार्वती तो जगत जननी है, वो अनेक पुत्रहीन नारियों की गोद भर सकती है, तो फिर भला अपनी गोद। इंद्रदेव, अभी तक तो तुमने भगवान भोलेनाथ की ही लीला देखी है, अब माता पार्वती की लीला भी देखो। मुनिवर, यहां रख दो। क्या सोच रही हो पार्वती? किसी ऐसे पुत्र का निर्माण करो जो केवल तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करे। हे
जाओ, मेरे स्नान की तैयारी करो। स्नान करने जा रही हूँ, ध्यान रहे कोई अंदर ना नहीं पाए। जो आ गया माता जी। मेरी लाल, ये लो बेटा। शंकर, शंकर भैया कम कर, आप अंदर नहीं जा सकते। हमें रुकने वाले कौन हो तुम? राजकुमार। राजकुमार? हाँ, ज्यादा बहस करोगे तो कर दूंगा एक दो तीन चार। बालक, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम रास्ता नहीं छोड़ोगे? नहीं। मेरी बात नहीं मानोगे? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, चले जाओ नहीं तो हो जाएगा कल्याण। बालक, तुम्हारी ये अवस्था देखकर हमें तुम पर दया आ रही है। और मुझे आपकी बातें सुनकर हंसी आ रही है। क्या? तुम्हारी मृत्यु? मेरी मृत्यु? जब तक मेरी माँ का मेरे साथ आशीर्वाद है, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। चले जाओ, सांप वाले, डमरू वाले, नहीं तो। कौन है ये बालक? गौरी, भोलेनाथ, काल बनकर आपने अपने बेटे का जीवन लिया है, अब जीवन दाता बनकर इसका जीवन लौटा दीजिए। वो ऐसी लीला दिखलाई लीलाधारी के सारा संसार युगों युगों तक याद रखे। नन्ही जाओ, सबसे पहले जो भी मिले उसका शीश काट के यहाँ लेकर आओ। क्यों आ गया प्रभु? आओ। प्रभु, ये क्या? चिंता न करो पार्वती, इस अनोखे रूप को पाकर तुम्हारा बेटा समस्त देवता में महान स्थान प्राप्त करेगा। सारे संसार में सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाएगी। कार्तिकेय को देव सेना का सेनापति बनाना चाहते हैं। बेटे कुमार, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें बुला रहा है, जाओ अत्याचारी तारकासुर का नाश करो। जय आज्ञा माता जी। कुमार कार्तिकेय की जय। 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 ये किसका जयजयकार हो रहा है? नारायण नारायण, कार्तिकेय की जय जयकार हो रही है। कुमार कार्तिकेय की शिव पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय नहीं समझे ना? सुनो,
ये वही बालक है जिसे तुमने सागर में डुबो दिया था और अब वो तुम्हें डुबोने के लिए आ रहा है। नायक जी। हाँ हाँ, यहाँ नहीं, रण के मैदान में जाके गरजो। सुनो, रण भेरी बज उठी, कुमार कार्तिकेय आ गए। कार्तिकेय के बच्चे का तो मैं मच्छर की तरह यूं मसल दूंगा। हाय 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 हाय। देव ऋषि, आज कार्तिकेय जरूर मरेगा। मैं यहाँ से निराश हूँ। क्यों रो रहे हो नारद? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज तारकासुर मरेगा और कल, हाय 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 हाय, कल बेचारा सिंदूरासुर मरकर सीधा नरक में जाएगा। नरक में कार्तिकेय, एक बार तो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा कर रहूंगा। अच्छा, तो तुम इतने वीर हो? हाँ, मैं वीरों का भी वीर हूँ। मुझे तो कायर दिखाई पड़ते हो। क्या कहा? नहीं सुना? क्या बहरे हो? मूर्ख बच्चे, तुम झूठे, हम सच्चे। कार्तिके, इतना मत चिल्लाओ, नहीं तो मेरे मारने से पहले ही मर जाओगे। कहाँ गया कार्तिके? कहाँ गायब हो गया? कार्तिके, मैं अपनी हार मान लेता हूं। कार्तिके, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। अब तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। नारायण नारायण नारायण, कुमार गणेश आकाश की ओर जाता हुआ तुम्हारा भाई कार्तिकेय है। मेरा भाई कार्तिकेय? हाँ, दानवपति तारकासुर ने तुम्हारे भाई को मारने के लिए उसे उठाकर फेंक दिया है। मैं अभी उस राक्षस को देखता हूँ। नारायण नारायण नारायण, एक ओर तारकासुर और सिंदूरासुर और दूसरी ओर गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय बेटे, कार्तिकेय क्या हुआ बेटे? माँ, मुझे शक्ति दो जिससे मैं उस पापी तारकासुर को मार सकूं। तारकासुर को मारकर देवताओं का दुख दूर करो। लो, जो आ गया। चुप रहो मुंह छोले। तुम कौन? मैं हूं गणेश। मैं हूं कार्तिकेय, तेरा काल। मैं हूं तारकासुर का मित्र सिंदूरासुर, गणेश का काल। तारकासुर को मारकर देवताओं को भय से मुक्त कर दिया। नारायण नारायण नारायण, और कार्तिकेय के भाई गणेश ने सिंदूरासुर को मारकर दानों में हाहाकार मचा दी है। मुनिवर, क्या गणेश कार्तिकेय का भाई है? हाँ गंगे, गणेश अपनी माता की बहन गंगा से मिलो। माँ, कहाँ है गणेश? कहाँ है कार्तिकेय? कहाँ है? आ हा 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 हा, लो, तारकासुर और सिंदूरासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए पाप गणेश और कार्तिक को मारने के लिए यहाँ आ रहा है। मुनिवर, वो अगर पाप है तो हम उसके बाप हैं। माँ, हमें पाप से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। पाप का नाश केवल गंगा ही कर सकती है। गंगा, जाओ और पाप के प्रभाव को स्वर्ग से हमेशा के लिए नष्ट करो। तुम्हारे बल पर राज्य करने वाले तारकासुर और सिंदूरासुर दोनों समाप्त हो गए।
लेकिन हमें समाप्त करना इतना आसान काम नहीं गंगे। हम हमेशा भयंकर अंधकार की तरह स्वर्ग पर छाए रहेंगे। प्रकाश के सामने अंधकार कभी नहीं ठहर सकता। तुम्हें स्वर्ग से जाना ही पड़ेगा। गंगा, इतना भयंकर रूप गंगा खा गई। नहीं नहीं, त्रिशूल, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, खप्पर, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, खड़क खड़क, नहीं नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, गंगा की जगह मां खाली, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात है बाप देव, इस तरह घबराए हुए सर पे पाँव रख के कहाँ भागे चले जा रहे हो? सुनो, कुशल तो है? नारद, पहले आग लगाते हो फिर कुशल पूछते हो? हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। कितना अच्छा होता मुझे जानने की बजाय तुम अपने दुष्कर्मों को जानते, तो इस तरह भागने की घड़ी ना आती। क्या गंगा का प्रभाव है? देखिए तुम्हारी गंगा के प्रभाव को, गंगा गंगा गंगा। अरे सुनो तो सही, एक बार सच्चे मन से गंगा का नाम लो तो तर जाओ। गंगा गंगा गंगा, हम कभी नहीं कहेंगे गंगा। तो फिर डूबो मई धार में, अब तो तुम्हें स्वर्ग छोड़कर भागना ही पड़ेगा। संभालो अपने स्वर्ग को, हम तो मृत्यु लोक में जाते हैं, वहाँ कोने ही कोने में तुम्हें पाप ही पाप नजर आएगा। जानते हैं कि तुम्हारे खेत उजड़ गए, नदी और तालाब सूख गए, चारों ओर दुष्काल पड़ा है, किंतु तुम चिंता ना करो, हम तुम सबकी भलाई और कल्याण के लिए शीघ्र ही अशुभ एक यज्ञ करेंगे। बोलो अयोध्यापति महाराजा सगर की। देवगण, जब से पाप देवलोक से गया है यहाँ पर आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं मुनिवर, पृथ्वी पर महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां भी आनंद ही आनंद है। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। इंद्रदेव, ये यज्ञ पूरा हो जाने दो, फिर तुम्हारा सिंहासन। देवर्षि, समझ में नहीं आता क्या बात है, जिसे देखो हमारे सिंहासन के पीछे ही पड़ा हुआ है। अजी, ये सब आपके सिंहासन की महिमा है, किसी ने कहा है प्राण जाए तो जाए पर सिंहासन नहीं जाना चाहिए। इंद्रदेव सावधान, वो देखो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। नारायण नारायण नारायण।
यहाँ जंगल में मंगल हो रहा है, क्या चमक नमक। वीरो आप लोग कौन हैं? सन्यासी, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। आप लोगों से मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु अयोध्या से इतनी दूर आने का कारण? हम मुनिवर अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर धर्म का झंडा लहराने आए। बहुत शुभ काम करने आए हैं आप। हम पाप को मिटा के रख देंगे। ठीक है ठीक है, परंतु भैया उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जरा हमें भी तो बताओ। वो देखो कहाँ है घोड़ा। जरूर तुम्हारे साथ किसी ने छल कपट किया है। ज्ञानी हूँ, पापी नहीं हूँ, धर्मात्मा हूँ। अभी ध्यान लगाकर पता लगाता हूँ कि तुम्हारा घोड़ा किसने चुराया है। बताइए मुनिराज। कपिल मुनि के आश्रम में। कहाँ है वो? अभी बताता हूँ बच्चे, परोपकार करना ही हमारा धर्म है। वो रहा, यही है वो पापी, पापी कपटी कपिल मुनि, और वो रहा तुम्हारा घोड़ा। बस हमारा काम हो गया। सगर पुत्रों, तुम्हें देखकर ये समाधि में खो गया। ये ढोंगी है, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पत्थर से मारो, मारो इसे पत्थर से। प्यारे पुत्र, कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म होकर कुल देवता, हे कुल देवता, सूर्य देव, प्रभु, ये मेरे किस पाप का परिणाम है? नारायण नारायण सगर राज, ये तुम्हारे पाप का परिणाम नहीं, ये पाप की करने का फल है। प्रणाम देव ऋषि। पाप ही के कारण तुम्हारे पुत्रों का नाश हुआ और अब उनकी आत्माएं सदा के लिए फटकती रहेंगी। देव ऋषि, मेरे पुत्रों की आत्मा की शांति का उपाय बताइए। उपाय तो है, यदि तुम अपनी भक्ति से पतित पावनी पाप विनाशनी गंगा को धरती पर ला सको तो तुम्हारे पुत्रों की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी और समस्त जगत का कल्याण भी हो जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता गंगा को मैं पृथ्वी पर अवश्य लाऊंगा। कल्याण हो, कल्याण हो, नारायण नारायण नारायण। हे सूर्य देव, मैं जनता दलांतर की भलाई और अपने पुत्रों के उद्धार के लिए जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। स्वामी, मेरा ही नहीं सारी प्रजा का विश्वास आपके साथ है। इस महान कार्य में आप अवश्य सफल हो। पिताजी सगर, पुत्र अंशुमन को आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीव रहो दिलीप। जय सूर्यदेव।
उनके सुत अंशुमान ने भी अति कठिन तपस्या अपनाई। वे हुए स्वर्गवासी लेकिन गंगा पे न। पिताजी अंशुमान, पुत्र दिलीप को आशीर्वाद दीजिए कि मैं मां गंगा को पृथ्वी पर ला सकूं। हे पिता भगीरथ के दिलीप, दिन रात जिन्होंने तपस्या की, दिन रात जिन्होंने तपस्या की, उनका जीवन बीत गया उत्तरी गगन से गंगा जी। माँ, 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 बेटा, माँ, बेटा भगीरथ, धन्य हो माँ, तुम धन्य हो। तुम सचमुच सती साध्वी आर्य नारी थी जो पिताजी के साथ परम धाम चली गई। माँ गंगे, कब तक आपका हृदय निष्ठुर बना रहेगा? कब तक आप धरती के बेटों का संहार और बलिदान देखती रहेगी? याद रखो माँ, यदि आप धरती पर न आने की हट पर तुली हुई है तो मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको धरती पर लाकर ही रहूंगा, लाकर ही रहूंगा। पृथ्वी पर लाकर रहूंगा। मूर्ख भगीरथ, सगर अंशुमान दिलीप की पाषाण प्रतिमाओं की तरह एक दिन तुम्हारी प्रतिमा भी इनकी पंक्ति में खड़ी हो जाएगी। कुल देवता सूर्य देव प्रणाम। प्रपितामह महाराजा सगर, पितामह अंशुमन, पिताश्री दिलीप, मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी साधना और मेरा संकल्प पूरा हो, माता गंगा को धरती पर लाने में मैं समर्थ हो सकूं। पुत्र भगीरथ, माता गंगा को पृथ्वी पर लाना सरल काम नहीं। गंगा की तपस्या करते करते हम मिट गए, परंतु प्रसन्न ना कर सके। गंगा पृथ्वी पे कभी नहीं आएगी। गंगा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। वो अवश्य आएगी। पुरुषार्थ के पीछे सिद्धि को आना ही पड़ेगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के प्रतिज्ञा करता हूं कि भगवती गंगा को धरती पर लाकर रहूंगा, नहीं तो आपकी तरह तपस्या के वेदी पर अपने जीवन की भेंट चढ़ा दूंगा। स्वामी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आपका जीवन मेरा जीवन है, आपके प्राण मेरे प्राण है। महारानी। हाँ स्वामी, गंगा का सपना देखने वाले हमारे इन पूर्वजों को क्या मिला? यश, कीर्ति, अमरता? नहीं, केवल मृत्यु। मृत्यु तो वीरों का श्रृंगार है महारानी, और फिर ऐसे शुभ और पुण्य काम के लिए 100 बार जन्म लेकर भी मरना पड़े तो बड़े सौभाग्य की बात है। महारानी, एक वीरांगना की तरह हंसते हंसते मुझे विदा करो। लोक कल्याण के लिए माता गंगा को धरती पर लाकर ही रहूंगा, ये मेरा अटल निश्चय है। तो मेरा भी अटल निश्चय है। मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। महारानी, आत्महत्या महापाप है। मेरे लाल, मेरे बेटे। मैं तुम्हें मरने ले दूंगा। नहीं मेरे बेटे, मैं तेरे पिता के बिना जी कर भी क्या करूंगी। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। पहले मुझे मार दो। कुमार, मेरे लाल, ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसा नहीं कहते। तू तो मेरी आंख का तारा है, हमारे कुल का दीपक है। स्वामी, मेरे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए रुक जाइए, रुक जाइए।
महारानी, तुम अपने एक बच्चे की दुहाई देकर मुझे रोकना चाहती हो, लेकिन तुम्हें उन हजारों बच्चों का ध्यान ना आया जो बिना जल के प्यासे मर रहे हैं। देवी, अपनी जिंदगी तो हर कोई जीता है, जीना उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। धन्य हो भगीरथ, धन्य हो। तुम सूर्य वंश का नाम उज्जवल करोगे, तुम अपने ध्येय में सफल हो। प्रपितामह, तो फिर ये सब क्या था? ये केवल तुम्हारी परीक्षा थी। भगीरथ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ भगीरथ, सफल हो। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गई थी, अब मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। धन्य हो देवी, तुम धन्य हो, तुम सच्ची आर्य नारी हो। जाइए स्वामी, प्रजा की भलाई के लिए इस मंगल कार्य को शीघ्र ही पूरा कीजिए, माँ गंगा को धरती पर ले आइए। तज कर महलों का सुख वैभव, निज पिता और पिता मह के समान, गंगा का ध्यान हृदय में धर, कर रहे भगीरथ तप महान। दिन रात भगीरथ की पत्नी, अपने पति का चिंतन करती, अपने पति का चिंतन करती। कब होगी गंगा जी प्रसन्न, यह सोच सदा व्याकुल रहती। कितने वर्ष बीत गए पर अभी तक स्वामी की तपस्या पूरी नहीं हुई। सदा व्याकुल रहती। पूज्य पितामह, प्रपितामह, पिताजी, निराशा के आंधी में मेरी आशा का दीपक काँप रहा है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं पिताजी, मैं क्या करूं। नारायण नारायण। मुनिवर, चिंता न करो, निराशा की आंधी रुक जाएगी और आशा का दीपक स्थिर हो जाएगा। प्रणाम मुनिवर। जगत जननी दुर्गा माँ के 9 रूपों की आराधना करो, तुम्हारी भक्ति शक्ति में बदल जाएगी और तुम्हारे पति की तपस्या सफल हो जाएगी। नारायण नारायण। Thank you.
महान पाप, क्या सोच रहे हो? सागर, अंशुमान, दिलीप सबके सब काल के मुंह में समा गए, किंतु भगीरथ अभी तक जीवित है। भगीरथ, पाप शत्रु को कभी कमजोर न समझो। इसके गूंजते हुए मंत्रों की आवाज बंद कर दो। इसकी तपोभूमि को मृत्यु भूमि बना दो। नमो देवी गंगे। मृत्यु भूमि। नमो देवी गंगे। नमो। भागीरथ की तपस्या भंग नहीं कर सकते। उसकी पत्नी की भक्ति और पतिव्रत धर्म भागीरथ की रक्षा कर रहा। पतिव्रत धर्म? हाँ, पतिव्रत धर्म से टकराना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। नारद, तब तो हम अवश्य ही टकराएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, 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 ऐसी भूल मत कर बैठना। जय माँ दुर्गे। महारानी, महादेवी, देखो तुम्हारा भगीरथ आ गया है। तुम्हारा भगीरथ आ गया है महादेवी। आर्य, आप? हाँ महारानी, अब चिंता छोड़कर खुशियां मनाओ, आनंद के दीप जलाओ। दुख का अंधेरा दूर हुआ है, सुख का प्रकाश छा गया है। तुम्हारी साधना और मेरी तपस्या सफल हुई। क्या? हाँ महारानी, जिस गंगा को लाने के लिए सागर, अंशुमान और दिलीप भेट गए, उस गंगा को मैं ले आया। आर्य, आप गंगा को ले आए, ऐसी धरती की प्यास बुझाने और जगत कल्याण के लिए माँ गंगा आ गई। हाँ महादेवी, हाँ। सूर्यदेव, किसी भी रूप में अपना कार्य सिद्ध करना ये पाप की नीति है। पाप? अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से भगीरथ की रक्षा करने वाली, हम तुम्हारा अभी पतिव्रत धर्म नष्ट किए देते हैं। वही खेल जा नीच, ये सूर्यदेव और माँ शक्ति का दरबार है। अब ये पाप का दरबार है, बस कर जाएगी कहाँ? जगत जननी, मेरी रक्षा करो, दुराचारी से मेरी रक्षा करो। माँ, मेरी रक्षा करो। ये पत्थर की मूर्ति तुम्हारी क्या रक्षा करेगी? रक्षा करो माँ, रक्षा करो। अरे,
दुर्गे। ओम नमो देवी गंगे। परम भक्त भागीरथ। भागीरथ? हाँ गंगे, वो कितने वर्षों से तुम्हारी तपस्या कर रहा है जानती हो? किसकी है? तुम्हें पृथ्वी पर लाने के लिए। पृथ्वी पर? स्वर्ग से भी बढ़कर पावन में पृथ्वी पर? तुम धन्य हो भागीरथ, धन्य हो। नारायण नारायण नारायण। धन तो उसके पूर्वज थे सगर, अंशुमान और दिलीप, जो तुम्हें धरती पर लाने की इच्छा में तप करते करते मिट गए। सगर, अंशुमान, दिलीप, सब सब मेरे कारण मिट गए। नहीं नहीं मुनिवर, अब मैं एक पल भी स्वर्ग में नहीं रहूंगी। मैं शीघ्र पृथ्वी पर जाऊंगी। नहीं 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 गंगे, रुक जाओ। तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानती। तुम्हारा वेग इतना प्रचंड है कि तुम धरती तोड़कर पाताल में समा जाओगी। मुनिवर, ये आपने क्या बताया? क्या क्या मेरे मन की अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाएगी? क्या सगर, अंशुमान और दिलीप की तरह भगीरथ भी? नहीं नहीं मुनिवर, नहीं नहीं भगीरथ। नारायण नारायण नारायण। नमो देवी गंगे। ओम नमो देवी गंगे। कौन है? किसने मेरी तपस्या भंग की? भगीरथ, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुई। मैं गंगा हूँ। माँ गंगे, माँ माँ गंगे, तुम आ गई, मुझ पर दया करके आ गई। मेरा जीवन सफल हो गया माँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। किंतु मैं भाग्यशालिनी नहीं हूँ भगीरथ। मातेश्वरी? हाँ भगीरथ, कहाँ तुम्हारी कठिन तपस्या, सच्ची लगन, अपार भक्ति, और कहाँ मैं भगीरथ। तुम मुझे भूलकर अयोध्या वापस चले जाओ। माँ गंगा सामने हो और बेटा प्यासा वापस चले जाए। तुम्हें जाना ही होगा भगीरथ, मैं विवश हूँ। ऐसा न कहिए माता, लोक कल्याण और पितरोद्धार के लिए आपको पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। नहीं नहीं भगीरथ, नहीं। दया, क्षमा और ममता की मूर्ति माँ गंगे, आपको मेरी प्रार्थना माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं भी अपने पूर्वजों की तरह आपका ध्यान करता हुआ अपने प्राण त्याग दूंगा। भगीरथ, तुम जियो, युग युग तक जियो भगीरथ। संसार की दृष्टि में लज्जा का पात्र बनकर जियो। माँ, प्यासी धरती आपको पुकार रही है, मानवता बिलख रही है। वो देखो माँ, अकाल के मारे भूखे प्यासे दम तोड़ते आदमी, औरतें, बच्चे, वो देखो नरकंकाल पर भंडराते हुए गिद्ध, उनके मांस को नोचते हुए श्वान, चारों तरफ मरहट सा हाहाकार मचा हुआ है। माँ बस भगीरथ बस। क्या माँ, आपको अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देखकर भी दया नहीं आती? बोलो माँ, उत्तर दो। क्या उत्तर दूँ? क्या तुम समझते हो मेरे हृदय में दया और ममता नहीं? मेरे ही सामने मेरी संतान मर रही है और मैं निर्दय बनी उन्हें चुपचाप देख रही हूँ। भगीरथ, तुम नहीं समझते,
मैं कितनी विवश हूँ। ऐसी कौन सी विवशता है कि जो आप पृथ्वी पर नहीं आ सकती? मेरा प्रचंड वेग, उसे कौन संभालेगा? धरती पर पैर रखते ही मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरी भगीरथ, तू वापस चले जाओ, वापस चले जाओ भगीरथ, तू वापस चले जाओ, चले जाओ भगीरथ। माँ गंगे, माता गंगे, माँ, माँ गंगे, मातेश्वरी, माँ गंगे, रुक जाओ माँ गंगे, माँ गंगे, गंगे। आपने मुझे बचाया, क्यों, किस लिए? अपने पूर्वजों की तरह मैं भी मर जाता तो अच्छा था। धीरज रखो भागीरथ, धीरज रखो। धीरज रखो, कैसे धीरज रखूं मुनिवर? मेरे सपने चूर चूर हो गए, मेरी आशाएं, मेरा विश्वास सब धूल में मिल गए। उन सूखी हड्डियों के ढांचे और निराश चेहरों को अब मैं क्या जवाब दूंगा? व्याकुल जनता के सामने अपना मस्तक कैसे उठाऊंगा? भागीरथ, मुनिवर, लगता है अकाल रूपी अजगर तमाम जनता को निगल कर रहेगा और रह जाएगा केवल निष्प्राण शक्तिहीन जनहीन भारत। नहीं नहीं भागीरथ, तुम्हारे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान शंकर पर बिल्व पत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करो, भोलेनाथ के प्रसन्न होते ही भगवती गंगा के आने का मार्ग मिल जाएगा, मिल जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा देवर्षि। कल्याण हो, कल्याण हो। नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम न करो भगीरथ, हम तीनों शक्तियां एक है, मांगो। भगवान, जगत कल्याण और पितरोद्धार के लिए मैं स्वर्ग से माता गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं। तो पतित पावनी गंगा का आह्वान करो। भगवान, माता गंगा आना तो चाहती है, किंतु भगीरथ, मेरा प्रचंड वेग कौन संभालेगा? धरती पर पैर रखते ही मैं पाताल में चली जाऊंगी, पाताल में चली जाऊंगी भगीरथ। गंगा पाताल नहीं जाएगी। भगीरथ, तुम सच्ची भक्ति से हिमालय पर जाकर गंगा का आह्वान करो। जाओ भगीरथ, गंगा का आह्वान करो। हाँ बस, गंगा का आह्वान करो, जाओ। गंगा जल को
बलिदानों की, पुत्रो माँ अंबर से, पुत्रो माँ अंबर से। शक्ति से भागीरथ की भक्ति आज लड़ेगी, तेरी शक्ति से भागीरथ की भक्ति आज लड़ेगी। मेरी आन हठीली है माँ, तुझको निभानी पड़ेगी। स्वर्ग से उतर धरा पर, पुण्यमय वसुंधरा पर, माँ गंगे निभानी पड़ेगी। स्वर्ग से उतर धरा पर, पुण्यमय वसुंधरा पर, स्वर्ग से उतर धरा पर, पुण्यमय वसुंधरा पर, माँ गंगे। निभानी पड़ेगी। स्वर्ग से उतर धरा पर, पुण्यमय वसुंधरा पर, स्वर्ग से उतर धरा पर, पुण्यमय वसुंधरा पर, माँ गंगे। झर 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 झरती, झर 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 झरती, उतर गंग भर के तरंग, उज्ज्वल कर दो धरती का रंग। हिमगिर पर देखो रहा गाज, डम 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 डो रहा बाज। आओ अंबर से डोल डोल, शिव शंभ खड़े हैं जटाखो। स्वागत कर तुझे मना लेंगे, तुझे अपनी जटा में समा लेंगे। माँ कल कल छल छल अपना निर्मल जल छलकाती आओ, चट्टानों पाषाणों पर निज धारा लहराती आओ। युग युग से प्याती धरती की माँ, प्यास बुझाने आओ। भगीरथ के भारत को भव्य बनाने आओ।
भगवान, ये आपने क्या किया? लोक कल्याण के लिए मुझे अपने बंधन से मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए प्रभु, नहीं तो भगीरथ की तपस्या निष्फल जाएगी। तुम्हारे होते हुए भगीरथ की तपस्या कभी निष्फल नहीं होगी। जाओ गंगे, अनंत काल तक पृथ्वीवासियों का कल्याण करती रहो, उनका उद्धार करती रहो। जाओ प्रभु। भगीरथ व्रत के कारण धरती पर आई हो, इसलिए आज से तुम भागीरथी गंगा कहलाओगी। जाओ गंगे, जगत का कल्याण करो, धर्म की जय जयकार करो। आओ मां गंगे, आओ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, अमृत साते